कांग्रेस कार्यकर्ता अशोक जायसवाल के मामले को लेकर बड़ी संख्या में एडीजी वरुण कपूर से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि जायसवाल को जबरदस्ती गलत मामले में फंसाया जा रहा है, जबकि उनका इसमें कोई लेना देना नहीं है। जब भी किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता की सम्मान की बात आएगी तो सभी नेता एकजुट रहेंगे। कांग्रेस के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। भारतीय जनता पार्टी के प्रताड़ना से वो लोग पुलिस के समय झूठे फंसाए गए। आज हमारे 4 नंबर विधानसभा का वरिष्ठ नेता अशोक जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी के शासन में गलत मुकदमे में फंसाया गया, तो आज हम 4 नंबर के सभी नेता वरिष्ठ नेता कपूर साहब से मिलने आए थे कि इसका जाँच हो और दूध का दूध पानी का पानी। मैं पुलिस अधिकारी और सभी अधिकारियों से आग्रह करता हूँ कि जो दुर्भावनापूर्ण कांग्रेस के लोगों को सताया गया, अब वो नहीं चलेगा। कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से जनता की लड़ाई लड़ेगी। वही मामले में एडीजी वरुण कपूर ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। जायसवाल जी हैं कोई पदाधिकारी, उनके कोई प्रकरण है जिसमें उनको निष्पक्ष जांच के लिए उन्होंने बताया है? उस प्रकरण में 2-3 दिन पहले भी वो मेरे से मिले थे, तो उसकी जांच के आदेश दिए हैं कि उसमें वास्तविक स्थिति क्या है वो पता चलेगी, फिर कार्रवाई होगी। प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से सभी कार्यकर्ता नेता फुल फॉर्म में चल रहे हैं।